गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। तो हमने देखा कि आयरन मास्टर जो है वो पेडलर को कहते हैं कि चल भाई तू मेरे साथ, क्योंकि वो उसको अपना पुराना दोस्त फ्रेंड समझ रहे हैं, क्योंकि उसका फेस अच्छे से दिख नहीं रहा तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और वो जो पेडलर है वो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर वो उसने किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो चोरी करके आया था, उसने क्रॉफ्टर के वहां से 30 क्रॉनर चुराए थे, तो इसीलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करता। बट वो कंटिन्यूस मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा मुझे नहीं आना है। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई इसकी ऐसी हालत है, आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि इसकी ऐसी हालत है ना, इसीलिए मना कर रहा है कि भाई मुझे नहीं आना है ऐसा। बट फिर वो वहां से क्या करता है, वो चला जाता है। लास्ट में फिर वो ना बोल रहा है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर आफ्टर सम टाइम, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिएज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैट ही हिमसेल्फ। तो अब आधा घंटा भी नहीं हुआ होता और फिर से जब आयरन मास्टर चले जाते हैं तो आधा घंटा भी नहीं हुआ होता और किसी के आने की आवाज़ आती है गाड़ी की, तो वो देखते हैं। बट ये दिस टाइम आयरन मास्टर नहीं थे, उनकी डॉटर आई थी उनको समझाने के लिए, शायद थोड़ा प्यार से समझाए, कोई रिक्वेस्ट करे, और डॉटर है सर, वो करेगी रिक्वेस्ट, तो क्या है कि हो सकता है कि वो जो पेडलर है वो आ जाए। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. An iron and charcoal still glow in the furnace. The stranger had stretch himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. So, अब क्या होता है कि उसके आने के बाद वो आती है, बट वो जो काम कर रहे थे जो दो बंदे, वो अपना काम कर रहे हैं, अभी भी भट्टी चालू है, उसमें आयरन डाला जा रहा है, चाकोल डाला जा रहा है, वो अपना जो रूटीन है एक तरफ वो चल रहा है, और इस तरफ वो क्या है कि फर का कोट लेके आई है, ठंड बहुत है ना, और उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको लेके ही जाऊंगी, भले मेरे पापा के दोस्त हैं तो मैं रिक्वेस्ट करके उनको लेके ही जाऊंगी। वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, बट फिर भी वो थोड़ा शर्मा रही थी, मतलब कि मैं इनसे कैसे बात करूं, जानती नहीं थी ना वो इनको। फिर वो क्या करते कि थोड़ा ठंड के मारे थोड़ा वो सिकुड़ गया होता है जो रेड ट्रैपर होता है, तो क्या करता है कि वो थोड़ा ऐसा लंबा होने की कोशिश करता है, फिर उसका जो सिर है वो थोड़ा नीचे जमीन पे है, तो अपने सर के नीचे थोड़ा बहुत कुछ रखने की कोशिश करता है ताकि तकिए जैसा, तकिए तो नहीं होता वहां पे, बट सपोर्ट के जैसे के साथ, ताकि उसका जो सर है वो ऊपर रहे। He said, the man was, as soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. अब जैसे थोड़ा बहुत ऐसे हिलता है, ऊपर आंख उठा के देखता है तो देखता है कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जो डॉटर है आयरन मास्टर की, और वो मुझे देख रही है। तो द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, अब वो ऐसा सो रहा था एक आंख थोड़ी से बहुत खोल के। ही जंप अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटनड, और एकदम से वो खड़ा हो जाता है। एक्चुअली वो सो गया था थोड़ी बहुत, हमें नहीं बोलते कि नींद में होते हैं, बट थोड़ा बहुत हमें भान मतलब सेंस होता है कि कुछ आवाज आ रही है, चल रहा है कुछ, अपने आजू बाजू कोई चल रहे हैं, तो इस तरीके से वो थोड़ा बहुत जग रहा था। तो उसने स्लाइड आंख खोल के देखा कि कोई तो है जो यहाँ पे है मेरे आसपास, और फिर वो डॉटर को देखता है आयरन मास्टर की, और फिर एकदम से वो खड़ा हो जाता है और डर भी जाता है। माई नेम इज एडला विल्मनसन, सेड द यंग गर्ल, मेरा नाम एडला विल्मनसन है, वो डॉटर थी जो उनकी, उन्होंने बोला। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अब वो कहती है कि घर पे पापा है, हमारी सब बात हुई, फिर ऐसे वैसे भी क्रिसमस का टाइम था, तो मुझे लगा कि मैं आप यहाँ पे आऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँ और आपको लेके जाऊँ, और कैप्टन आई एम सॉरी बट सही में आपकी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, बहुत खराब है,
कि आपको ये टाइम में से गुजरना पड़ रहा है. शैलोक एज हिम कंपेंशियंटली विथ हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल. और उसने देखा और उसकी आंख पे पानी भी आ गया. इतनी एकदम दया की दृष्टि से वो देखने लगी उनको. बट वो ये भी नोटिस कर रही थी कि ये डर रहा है, या तो इसने कुछ चुराया हो या उसको जेल जाने का डर हो. ऐसा डर उसकी आंखों में मुझे दिख रहा है. शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव. तो वो कहती है कि श्योर आपको हमें मिले बिना ही चले जाना है, जैसे आए हो वैसे चले जाना, यहाँ से डायरेक्ट चले जाओगे, हमें मिलने भी नहीं आओगे. मेरा ऐसा है कि आप क्रिसमस ईव जो नाताल जो क्रिसमस है उसकी शाम एक जो जिस दिन पार्टी होती है ना, मतलब एंजॉय करते हैं सब, जैसे अपने दिवाली में एंजॉय करते हैं वैसे वो लोग क्रिसमस में, बोले एक रात के लिए तो हमारे यहाँ पे आ जाओ एटलीस्ट. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस. सो फिर वो कन्विंस हो जाता है, वो बहुत पोलाइट अच्छे से बात करती है. तो बोलता है कि ठीक है चलो आप इतना कह रहे हो तो मैं आऊंगा. उसके ऊपर एक विश्वास बैठता है एडलर को, तो एडला के ऊपर. तो बोलते चलो आप कह रहे हो तो मैं आऊंगा, बट ये मैं एक ही बार आऊंगा और फिर तुरंत मैं निकल जाऊंगा. तो और फिर वो जो फर का कोट लेके आई है वो लेके आती है और अपने जो रेड ट्रैप होते हैं वहां पे सारे छोड़ के फिर वो वहां से उनके साथ चला जाता है. और वो ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे होते वो ये सब कुछ देख रहे होते तो उनको भी अच्छा लगता है और ऐसे जस्ट नॉर्मल स्माइल करके फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं. बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवल फॉर बॉन्डिंग्स, व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं सबको बोल रहा था रेड ट्रैप में सब इंसान ह्यूमन बींग फंस रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें फंस चुका हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कि क्यों चुराया. और सही में अभी ऐसी सिचुएशन है ना, आगे खाई और पीछे गड्ढा, ऐसी मेरी हालत है. मैं नहीं जाऊँगा तो भी प्रॉब्लम, जा रहा हूँ तो चोरी की हो पता नहीं चल जाए वो प्रॉब्लम, क्या करूँ. अब मुझे आज ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. जब वो लोग, अब वो जाता है पैडलर उनके घर पे और वहां पे वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, तो उनको ऐसा, वो तो जो आयरन मास्टर है वो तो यही सोच रहा है कि मेरा दोस्त है, रेजिमेंट में था और बहुत जल्दी वहां से निकल गया था, तो ये वही है. तो उस खुश होता है उसको देख के कि नहीं चलो ठीक है यार, इतने साल के बाद भी मैं हैप्पी हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप. इट इज वेयर that things have gone downhill with him as badly as that, she said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो वो सोचता है कि यार मुझे नहीं लगता कि इसकी ऐसे भी वो कन्वर्जेशन है डॉटर और पापा के आयरन मास्टर के बीच में, कि ऐसा तो नहीं हो सकता. चलो वो रेजिमेंट में से निकल भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ऐसी हालत भी होगी कि उसको रेड ट्रैप बेचने पड़ेंगे. एक्चुअली रेजिमेंट मतलब एक कैप्टन, एक मिलिट्री का बंदा होता है तो वो एटलीस्ट इतना पढ़ा लिखा तो होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है ना, तो क्या करता है कि थोड़ी बहुत जॉब वॉब भी कर लेता है. बट रेड ट्रैप बेचेगा ये मेरे को नहीं जचता, दिमाग में नहीं बैठता. बट लास्ट टाइम मुझे कुछ ज्यादा दिख ही नहीं रहा था इसके अलावा, और मैं ना ही कुछ इसके पीछे बोलना चाहता था कि उसको ना गिल्टी फील नहीं हो, जो खराब नहीं लगे है ना, इसके लिए मैं उसको ज्यादा नहीं बोला. बट मेरे को ये सोच के थोड़ा
ऐसा हो रहा है कि एजुकेटेड बंदा है तो रेड ट्रिप क्यों बेच रहा है, वो और कोई भी काम कर सकता है भले रेजिमेंट में नहीं था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, सेड द फादर एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो वो कहती है, जब बात करी दोनों ने तो पापा कहते हैं उसके, जब डॉटर बोल के पापा ऐसा कैसा, तो बोलते वेट कर अभी उसको थोड़ा हम क्लीन विन कर नहलाते वहलाते हैं, शेव वेव करते हैं, शेविंग वेविंग करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, देख लो फिर थोड़ा पेशेंस रखो। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। लास्ट नाइट वो बहुत एम्बेरसिंग फील कर रहे थे बिकॉज उनको ऐसा उनके कपड़े उनके हुलिया जो भी था उसको लेके शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर, यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, वेलेट हैड बाथ हिम कट हिज हेयर एंड शेव हिम, मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starch collar and whole shoes. एकदम ऐसे दरवाजा खुलता है ऐसे में जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो, और फिर देखते हैं यस दिस इज, ये देखो कितने हो गए अच्छे हो गए नहला दुला के, उनके जो नौकर जाकर होंगे उन्होंने अच्छे से उनको नहलाया दुलाया, अच्छे से शेविंग वेविंग करी, क्लीन करके अच्छे कपड़े पहना के ब्लैक कोट और स्टार्च कॉलर शर्ट होल शूज पहना के उनको फिर लेके आए। वो देखते हैं कि देखो यस दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है, ये देख रहा है अच्छा, देखा इस तरीके का वो बंदा है, खुद सोच रहा है कि हाँ देखो अभी ये थोड़ा चेंज हो गया ठीक है ना अच्छे से।